सो गाइज आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन और आप सब सेफ होंगे। सो गाइज इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था चैप्टर 8 के कुछ पार्ट को। अब हम पढ़ने वाले हैं शेप ऑफ शेल। गाइज हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, एमीबा के शेप को देखा था, पेरीमेसियम को देखा था। अब उसके बाद पढ़ने वाले हैं शेप ऑफ शेल। शेप ऑफ सेल, सेल का शेप क्या होता है? रिफर टू फिगर 8.3a। 8.3a गाइज यही है दोस्तों, सो एमीबा और पेरीमेसियम का ही शेप है 8.3a। हाउ यू डिफाइन द शेप ऑफ एमीबा इन योर फिगर? आप कैसे डिफाइन करोगे एमीबा के शेप को अपने फिगर में? यू मे से दैट द शेप अपीयर्स इररेगुलर। हम ये कह सकते हैं कि जो इसका शेप है वो इररेगुलर है। इनफैक्ट एमीबा हैज़ नो डेफिनेट शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म। इनफैक्ट जो एमीबा होता है उसका कोई भी शेप नहीं होता किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरह, इसका शेप इररेगुलर ही रहता है हमेशा। इट्स कीप चेंजिंग इट्स शेप। सो दोस्तों इसका जो शेप रहता है वो हमेशा चेंज होता रहता है, कोई भी फिक्स शेप नहीं रहता। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोट्रूडिंग ऑफ इट्स बॉडी, दीज आर कॉल्ड सीडोपोडिया। सो गाइज ये देखो, आप जो इसका स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इसके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करो, आपको समझ में आएगा कि जो इसका स्ट्रक्चर निकल कर आ रहा है ये जो कुछ इस तरीके से है इसका स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं सीडोपोडिया। सीडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीट, मतलब कह लें कि फॉल्स फीट। एज यू लर्न इन क्लास 7th दिस प्रोजेक्शन अपीयर्स एंड डिसअपीयर एज अमीबा मूव्स और फीट। सो गाइज ये जो शेप है इसका ये हमेशा चेंज होते रहता है, ये शेप जो चेंज होते रहता है जब ये आगे बढ़ता है, मूव करता है या फिर किसी चीज़ को एक्वायर करता है, खाना खाने के लिए कैप्चर करता है फूड को, तो इस तरीके इसका शेप चेंज होता रहता है गाइस। ओके सो व्हाट एडवांटेज डज अमीबा डिराइव बाय चेंजिंग शेप? आप मुझे बताओ कि क्या एडवांटेज मिलता है अमीबा को चेंज करने से अपने शेप को। द चेंज इन द शेप इज़ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सीडोपोडिया विच फैसिलिटेट मूवमेंट्स एंड हेल्प्स इन कैप्चरिंग फूड। गाइज ये अपने मन से नहीं चेंज करता ये अपना शेप, इसका शेप चेंज होता है इसके वजह से वो आगे मूव कर पाता है और अपने फूड को कैप्चर कर पाता है। द वाइट ब्लड सेल WBC इन ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जांपल ऑफ ए सिंगल सेल। गाइज जो ह्यूमन ब्लड है WBC वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल नहीं, वाइट जो ब्लड सेल होता है वो भी एक सिंगल सेल का एग्जाम्पल है। विच कैन चेंज इट्स शेप बट वाइल WBC इज अ सेल, अमीबा इज ए फुल फ्लेश्ड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। दोस्तों जैसे कि WBC एक सेल है सिर्फ, एक सेल है सिर्फ, वैसे ही अमीबा पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म है, सिंगल ऑर्गेनिज्म है। व्हाट शेप डू यू एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनिज्म विद मिलियंस ऑफ सेल? आप कौन सा शेप एक्सपेक्ट करते हो कि अगर मिलियंस ऑफ सेल एक साथ मिल जाए तो दिखेगा? फिगर 8.4 ABC। सो फिगर 8.4 ABC ये देखो, इस शेप की बात कर रहा है, इन फिगर्स की बात कर रहा है। फिगर 8.4 ABC शोज डिफरेंट सेल्स सच एज ब्लड मसल एंड नर्व सेल। ये हमारी जो है वो रेड वाले ब्लड सेल हैं और ये फिगर बी वो मसल सेल है, जो हमारे मसल्स होते हैं ना, मांसपेशियाँ होती है उसे कहते हैं ये फिगर, उसे डिनोट करते हैं इस फिगर से। और जो तीसरा वो नर्व सेल है, ये दोस्तों हमारी बॉडी में होता है तीनों के तीनों। द डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शंस। जिनके अलग अलग शेप हैं इनका अलग अलग फंक्शन होता है, ये अलग अलग काम करते हैं। जनरली सेल्स आर राउंड स्फेरिकल और एलोंगेटेड। गाइस जनरली जो होता है वो सेल क्या होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं, सर्कुलर होते हैं, गोल होते हैं या फिर स्फेरिकल होते हैं। सम सेल आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स। कुछ सेल्स होते हैं जो पॉइंटेड होते हैं, नुकेले होते हैं आगे की तरफ से और पीछे की तरफ से, दे एग्जिबिट स्पिंडल शेप। सेल्स समटाइम आर क्वाइट लॉन्ग, कुछ सेल्स होते हैं बहुत बड़े होते हैं। सम आर ब्रांच लाइक नर्व सेल और ए न्यूरॉन। कुछ ब्रांच जो होते हैं मतलब एक के बाद दूसरा सेल उनसे निकलता हुआ रहता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एक सेल में से बहुत सारे निकल रहे हैं, तो इसे न्यूरॉन कहते हैं। कुछ इस टाइप के भी होते हैं। द नर्व सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफर मैसेज देयर बाय हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। सो गाइस ये जो नर्व सेल होता है हमारे पूरे बॉडी में फैला हुआ होता है, जो कि हमारे मैसेजेस को, ब्रेन के मैसेजेस को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, और ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो इसके वजह से जो ट्रांसफर होता है मैसेज का वो इजीली हो जाता है। कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव इट शेप? क्या आप ये सोच सकते हो कि सेल का कौन सा पार्ट होता है, सेल के कौन से पार्ट से उसे शेप मिलता है? कंपोनेंट ऑफ सेल आर इनक्लोज इन ए मेम्ब्रेन। ओके सो अगर हम इसे कोई सेल मानते हैं तो ये अंदर की चीज़ें जो है ना वो एक मेम्ब्रेन से, एक वॉल से ढकी हुई होती है, जिसका राउंड बाउंड्री है ना ये एक वॉल होता है जिससे ये पूरे पूरे ढके हुए होते हैं। मैं आपको हाईलाइट दिखा दे रहा हूँ, ये मान लो ब्लू कलर वाला सेल मेम्ब्रेन है, अंदर जो रेड वाले हैं इसके कंपोनेंट्स हैं। ओके दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल।
ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल। सो दोस्तों यही मेम्ब्रेन होता है जो शेप देता है किसी भी प्लांट सेल को या फिर एनिमल सेल को। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल। उसके बाद सेल वॉल होता है जो दीवार की तरह उस सेल को प्रोटेक्ट करता है ताकि कोई भी उसे डैमेज ना हो सके। इट गिव्स शेप एंड रिजिड टू द सेल। बैक्टीरिया सेल ऑल्सो हैज़ अ सेल वॉल। सो गाइस जो सेल वॉल का काम होता है वो होता है सेल को रिजिड बनाना, कठोर बनाना, और जो बैक्टीरिया होते हैं उसके पास भी सेल वॉल होता है। साइज ऑफ सेल्स, अब बात आती है सेल्स की साइज़ क्या है। द साइज ऑफ सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी एज स्मॉल एज मिलियंथ ऑफ मीटर, माइक्रोमीटर और माइक्रॉन। सो गाइस जो लिविंग एनिमल्स में सेल होता है उसका साइज हो सकता है माइक्रॉन में, माइक्रॉन मतलब 10^-9, और मे बी एज लार्ज एज फ्यू सेंटीमीटर्स, और हो सकता है वह कुछ सेंटीमीटर्स में भी हो। हाउएवर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज एंड आर नॉट विजुअल टू द नेकेड आइज। मोस्ट ऑफ द सेल्स होते हैं, जो ज़्यादातर सेल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हमारी आंखों से देख नहीं पाते, मतलब उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती ही है। दे नीड टू बी इनलार्ज और मैग्नीफाइड बाई ए माइक्रोस्कोप, उन्हें हमें बड़ा करना पड़ता है किसी माइक्रोस्कोप की हेल्प से, तभी हम उनसे देख पाते हैं। द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1-0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग 170 mm एंड 130 mm इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। सो गाइस आप ये देख सकते हो डायमेंशन, सबसे बड़ा जो सेल होता है वो ऑस्ट्रिच का एग होता है जिसका साइज 170 mm से 130 mm होता है। ओके, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी गई है, आप देख सकते हो कैसे एक सेल होता है और कैसा लगता है। बॉयल से हैंड से एक मुर्गी के अंडे को बॉयल करिए। रिमूव दिस सेल, जो उसका कवरिंग होता है वाइट वाला पार्ट उसे रिमूव कर दीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे। अ वाइट मटेरियल सराउंड्स द येलो पार्ट। ओके, सो जो येलो पार्ट अंदर वाला होता है ना, जिसे योक कहते हैं, उसे एक मटेरियल कवर किया रहता है वाइट कलर का। ओके, विच मटेरियल इज एल्बमिन। सो गाइस एल्बमिन ही वो होता है जो कवर किया होता है उस योल को अंदर, वाइट वाले अंदर येलो वाले पार्ट को। इट इज़ पार्ट ऑफ द सिंगल सेल, ये एक सिंगल सेल का पार्ट होता है। यू कैन ऑब्जर्व द सिंगल सेल विदाउट एनी मैग्नीफाइंग डिवाइस। ओके, आप एक एग को ऑब्जर्व कर सकते हो बिना किसी मैग्नीफाइंग डिवाइस के। आर द सेल्स इन एलिफेंट लार्जर देन द सेल्स इन रैट। क्या एलिफेंट में जो सेल होता है वो बड़ा होता है किसी रैट के मुकाबले, मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बड़ा है या कोई भी एनिमल बड़ा है तो क्या उसके जो सेल होते हैं वो बड़े होंगे या फिर छोटे होंगे, सोचने वाली बात है ना। सोचिए और कमेंट सेक्शन मुझे बताइए। द साइज ऑफ सेल हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट। सो गाइस अमेजिंग फैक्ट, कोई कितना भी बड़ा एनिमल हो, कोई कितना भी छोटा एनिमल हो, फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी साइज क्या है। ये सेल की जो साइज है ना वो किसी एनिमल के पूरे बॉडी की साइज पर डिपेंड नहीं करती। ओके, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल इन द एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन रैट। द साइज ऑफ सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। सो गाइस यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जो एलिफेंट का साइज़ है सेल का वही साइज़ हो रैट का, मतलब कि इनके साइज़ अलग हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करेगा इसके फंक्शन पर कि सेल कौन सा फंक्शन कर रहा है। द साइज ऑफ सेल इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल बोथ इन द एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। सो गाइस जो नर्व सेल होता है, जैसे हमने पढ़ा यहाँ पे, नर्व सेल काफ़ी बड़ी होती है। ये सी वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं येलो वाला, ये नर्व सेल है। ये एलिफेंट में भी और रैट में भी बहुत बड़ी होती है, पूरी बॉडी में फैली हुई होती है। दे परफॉर्म सेम फंक्शन दैट ऑफ ट्रांसफरिंग द मैसेज। इन दोनों का ही काम होता है उन दोनों ही में, हाथी में भी और रैट में भी, इसका काम क्या होता है, मैसेज को ट्रांसफर करना। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, अब हम पढ़ने वाले हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन। यू हैव लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ मेनी ऑर्गन्स। आपको पता होगा कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे हम हो चाहे कोई जानवर हो, उसके बहुत अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। यू हैव स्टडी इन क्लास 7 अबाउट द डाइजेस्टिव ऑर्गन विच टूगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो गाइस क्लास 7 में आप में से कितने लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम देखा था या डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। ओके, आई थिंक आप सबने पढ़ा होगा, अब एक बार रिकॉल कर लीजिए उसे। ओके, ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। किसी भी सिस्टम में अलग अलग ऑर्गन होते हैं और वो ऑर्गन अपना एक स्पेसिफिक काम करते हैं, सच एज डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सो गाइस जैसे कि डाइजेशन हो गया, एसिमिलेशन हो गया और एब्जॉर्प्शन हो गया। डाइजेशन मतलब पचाना, एसिमिलेशन मतलब एसिमिलेट करना, एंड एब्जॉर्प्शन मतलब कि जो ग्लूकोज निकलता है उसे बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुँचाना। ये अलग अलग फंक्शन है जो कि अलग अलग सेल परफॉर्म करता है। ओके, अलग अलग ऑर्गन परफॉर्म करते हैं।
सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन ऑफ प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड फंक्शन. सो गाइज, जैसे ही इंसानों के अंदर, जैसे ही एनिमल्स के अंदर फंक्शन होता है अलग अलग, वैसे ही प्लांट के अंदर भी जो उसके ऑर्गन होते हैं वो अलग अलग फंक्शन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रूट्स हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. जैसे ही रूट्स हो गए, जड़ जो है प्लांट की, वो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है मिनरल्स और वाटर के. लीव्स, एज यू हैव लर्न्ड इन क्लास 7th, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड. सो गाइज, आपने क्लास 7th में लीव्स के बारे में पढ़ा होगा, शायद फोटोसिंथेसिस भी पढ़ा हो. नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार. जो लीव्स होती है ना, वो फूड को सिंथेसिस करने में हेल्प करती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट कॉल्ड टिश्यूज. जैसे कि हमने पहले भी ऊपर भी पढ़ा कि हर ऑर्गन टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है. ओके, अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन. वहीं जो टिश्यूज क्या करते हैं, टिश्यूज किससे बनते हैं, सेल से बनते हैं. अगर एक सेल कोई एक फंक्शन परफॉर्म करता है, अगर उसी के बहुत सारे सेल मिल जाए ना, तो क्या हो जाएगा, वो टिश्यू बना लेगा. और वही सेम टिश्यू जो एक काम कर रहा है टिश्यू, वही बहुत सारे हो जाए तो क्या करेंगे, एक ऑर्गन बना लेंगे. पहली रियलाइज दैट एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यूज विच इन टर्न आर मेड अप ऑफ सेल्स. द सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट. सो गाइस, ऐसा कन्फर्म हो चुका है कि जो सेल होता है उनसे टिश्यूज बनते हैं और टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं. ओके, और जो सबसे बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, वो सेल ही होती है, पार्ट्स ऑफ सेल. गाइज, अब यहाँ पे आता है पार्ट्स ऑफ सेल, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आपको हर पार्ट्स पता होने चाहिए और उनका काम क्या होता है ये भी पता होना चाहिए. तो ध्यान से वीडियो को देखते रहना. और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, कहने वाली कोई बात तो है नहीं. सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, द बेसिक कंपोनेंट ऑफ ए सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. जो बेसिक कंपोनेंट होता है किसी सेल का, वो सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है. ओके, द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इनक्लोज विद इन द सेल मेम्ब्रेन. जैसा कि मैंने बताया कि जो सेल होता है वो अगर इस तरीके का है तो अंदर साइटोप्लाज्म होगा पूरा अंदर फैला हुआ, और क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा छोटा सा. ओके, सो इस तरीके से सेल कुछ बना होता है, जो बाउंड्री होती है उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, और उसकी प्रोटेक्शन के लिए सेल वॉल होता है. द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल फ्रॉम वन अंदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम. सो गाइज, जो मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, वो सेल को एक दूसरे से अलग करता है. मतलब दो सेल अगर एक साथ हैं तो कैसे पता चलेगा कि एक सेल यहाँ एक सेल यहाँ है. जो ये बाउंड्री है ना, ये सेल मेम्ब्रेन होती है जो एक सेल को दूसरे सेल से अलग करती है. ओके, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड. सो गाइज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन होती है ना, वो बहुत पोरस होती है. पोरस मतलब सॉफ्ट होती है, और वो मदद करती है किसी भी मटेरियल को उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाने में और सेल मेम्ब्रेन से बाहर आने में. ओके गाइज, उसके बाद एक्टिविटी है, एक्टिविटी 8.3. आप एक्टिविटी पढ़ना ज़रूर से पढ़ना, आपको मज़ा आएगा काफ़ी, और ख़ुद घर पे भी ट्राई करना. अगर आपको नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे ज़रूर से बता देना, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर से बना दूंगा. ओके, द बाउंड्री ऑफ द ओनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन. यहाँ पे अगर ओनियन की बात करते हैं, प्याज की बात करते, तो अगर हम प्याज की बात करते हैं तो जो प्याज की बाउंड्री होती है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाई अंदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल. जैसे कि मैंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन के बाद क्या होता है, सेल वॉल होता है. ओके, सेल पहले सेल वॉल होता है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होता है गाइस. तो सेल वॉल क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है सेल मेम्ब्रेन को और पूरे सेल को अंदर से. द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस. अच्छा, हम प्याज को जब छीलते जाए तो एक अंदर सा छोटा सा गोल सा पार्ट मिलता है जिसे हम और नहीं छील सकते, तो वो होता है समझ लो न्यूक्लियस. ओके, या फिर अगर मैं आपको डायग्राम में बताऊँ तो मान लीजिए बड़ा सा सेल है तो ये न्यूक्लियस, छोटा अंदर पार्ट वो न्यूक्लियस कहलाता है. ओके, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, आपको न्यूक्लियस बता के भी रखा है. न्यूक्लियस का डायग्राम आप देखो, एक सेल वॉल है उसके अंदर छोटा सा न्यूक्लियस बना के रखा है, और साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस के अलावा जो भी मटेरियल बाहर बचता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं. ये एक्चुअल में एक सेल ऑब्जर्व इन एन ओनियन पील. ये ओनियन पील एक छिलके का सेल है. एंड गाइस, द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये देखो यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म मेंशन किया, आप उसे देखो, एक न्यूक्लियस और सेल के बीच में जो स्पेस बचती है उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म. ओके, आई वॉन्ट टू नो वाई प्लांट सेल नीड सेल वॉल्स. ओके गाइज, तो यहाँ पे बात आती है कि जो प्लांट होते हैं उन्हें सेल वॉल की क्यों ज़रूरत होती है. वैसे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, सेल वॉल एनिमल में नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन होती है बस, लेकिन प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होता है. सो यू हैव लर्न अर्लियर दैट सेल मेम्ब्रेन गिव शेप टू द सेल.
इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन देर इज एन आउटर थिक लेयर इन सेल ऑफ प्लांट कॉल्ड सेल वॉल। सो गाइस आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि जो सेल वॉल होता है ना, सो वो सिर्फ प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में नहीं होता। ओके सो इसमें डाउट मत रखना, कभी ये मत कह देना कि शिवम सर ने तो बताया था कि सेल वॉल एनिमल में भी होती है। गाइस सेल वॉल एनिमल में नहीं होती, सिर्फ प्लांट्स में होती है। दिस एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर प्रोटेक्शन। ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रोटेक्शन होती है सेल वॉल की, वो इसलिए भी ज़रूरी है ताकि प्लांट को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। ओके उसके सेल्स डैमेज ना हो जाए। प्लांट सेल नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एटसेट्रा। सो गाइस जो प्लांट्स होते हैं उन्हें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, जैसे कि तेज़ हवा चल गई, धूप आ गई, तो उनके सेल डैमेज हो सकते हैं। मतलब ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंड, कोल्ड, इन सब से उन्हें बचाने के लिए सेल वॉल होता है ताकि उनका सेल डायरेक्टली डैमेज ना हो पाए। हम तो अपने घर में चले जाते हैं, प्लांट कोई घर में नहीं जा पाता किसी के, प्लांट को तो बाहर ही रहना है, तो इसलिए उसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है जो उसका काम करता है सेल वॉल। दे आर एक्सपोज टू दीज वेरिएशन बिकॉज दे कैन नॉट मूव। सो गाइज ये एक्सपोज होते हैं, हमेशा खुले रहते हैं क्योंकि ये मूव नहीं कर सकते, एक जगह फिक्स होते हैं। ओके जो भी कंडीशन हो इन्हें वो झेलना ही होता है। सेल कैन बी ऑब्जर्व इन द लीफ पील ऑफ ट्रांसकैंडिया, एलोडा और रोयो। आप जो भी प्रोनाउंस करना चाहो अपने मन से कर लो। सेल हमें इन सब के लीव्स में दिख जाएगा, अगर आपके पास अगर ये प्लांट हो, अगर आप इनके लीव्स को देखोगे तो आपको सेल में भी दिख जाए। मैंने तो यार कभी नहीं देखा। यू कैन प्रिपेयर अ स्लाइड एज इन दिस केस ऑफ ओनियन। दोस्तों ओनियन जो प्याज होता है, इसके केस में हम स्लाइड प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि हम माइक्रोस्कोप से उसे देख सकें। सो फ्रेंड्स आज के लिए हम बस इतना ही पढ़ेंगे, मुझे लगता है आज काफ़ी ज़्यादा हो गया। अगर वीडियो बड़ी हो गई तो कोई बात नहीं यार, वीडियो देख लो, अगर आपको पसंद आती है यार, अगर इतना वीडियो देख ही लिया तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना मेरे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपसे आने वाली वीडियो मिस ना हो। इस वीडियो की अगली वीडियो, इसके बाद वाली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आपको एंड में भी मिल रही होगी। सो गाइज मिलते हैं कि अगली और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।